Hello friends, welcome to my channel Mom's Diary. Please subscribe to my channel and for latest update, press the bell icon. हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉम्स डायरी। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जयति। हमारे सुपर मॉम सीरीज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे नर्स लिनी की, जिन्होंने निपा वायरस की वजह से केरला में अपनी जान गंवा दी, वो भी अपने ड्यूटी पे अपने पेशेंट्स का ख्याल रखते रखते। शायद वो बच सकती थी अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अपने पेशेंट की ज़िंदगी से या उनकी देखभाल करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। मेरा सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ, शायद मैं आप लोगों से मिल ना पाऊँ, आई एम सॉरी। हमारे बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें अपने साथ गल्फ ले जाना और अपने पिता की तरह अकेले मत रहना, खूब सारा प्यार। ये शब्द थे एक पत्नी के अपने पति के लिए, जिसमें चिंता थी एक माँ की अपने दोनों बच्चों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये खत आखिरी खत था नर्स लिनी का, जो कि जिन्हें आभास हो चुका था कि अब वो और ज़िंदा नहीं रह पाएंगी और अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगी। इसलिए उन्होंने ये खत अपने पति साजिश को लिखा, जो कि बहरेन में एज अ अकाउंटेंट एक छोटे से फर्म में काम कर रहे थे। नर्स लिनी केरला के कोजीकोरे शहर में पेरम्बरा तालुक हॉस्पिटल में पिछले 6 साल से काम कर रही थी और वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना चाह रही थी और उसी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी वो लगातार कर रही थी। उनके पति का कहना है कि वो अपने काम को और अपने परिवार को इक्वल इम्पोर्टेंस देती थी। इनफैक्ट कई बार तो उनका मानना ये था कि वो अपने काम को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, काफ़ी ज़्यादा दिल से निभाने की कोशिश करती थी। थर्सडे 18 मई की दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल जाने की जिद कर रही थी, काम पे जाने की जिद कर रही थी। उनके पति ने कहा भी कि आज तुम आराम कर लो, आज तुम मत जाओ, बाकी लोग संभाल लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उनका जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो पेरम्बरा तालुक हॉस्पिटल में स्टाफ काफ़ी कम था और पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा। ऊपर से एक नए वायरस के बारे में भी चर्चा हो रही थी, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से नर्स लिनी और उनके दोस्त उसे मिस्ट्री वायरस के नाम से बुला रहे थे। 18 मई के दिन वो रोज़ाना की तरह अपने बच्चे को खाना खिलाकर अपनी 6 बजे की ड्यूटी के लिए अपने हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ी। हॉस्पिटल में जाते ही उन्हें पता चला कि आज एक ही परिवार के 3 पेशेंट इसी अनजाने वायरस से ग्रस्त हैं और वो एडमिट हैं, और लिनी को उन तीनों का ख्याल रखना था। लिनी ने पूरे दिल से उन तीनों का ख्याल रखा, इनफैक्ट पूरी रात उन्होंने उनके साथ बिताई, उनके साथ बातें की और उनको पूरा दिलासा दिया कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन रात होते होते उन तीनों की मौत हो गई और इस वजह से लिनी बहुत ज़्यादा दुखी थी और उन्होंने अपने पति को कॉल करके भी ये बात बताई, जिसके बारे में उनके पति ने बाद में न्यूज़ चैनल से बात की। लिनी जब सुबह उठी, अगले दिन सुबह उठी, तब उन्हें काफ़ी बुखार जैसा फील होने लगा और उन्हें वो सारे सिम्टम्स धीरे धीरे दिखने लगे जो कि उन तीनों पेशेंट्स में थे। इसलिए उन्हें शक हो गया था कि ये बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है और शायद इसका अंत इतना आसान ना हो। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में जल्द से जल्द एडमिट करा दो और मुझे आइसोलेटेड रखना, यानी सबसे अलग रखना। और उन्होंने हॉस्पिटल जाते हुए ही अपने पति से वीडियो कॉल करके अपनी तबीयत के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उन्हें ये नहीं कहा कि वो कितना सीरियस था। उन्हें सिर्फ कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप जल्द से जल्द वापस आ जाओ। उनके पति ने भी सोचा कि ये नॉर्मल बुखार होगा और वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगले ही दिन उनके पति के भाई का फ़ोन उनके पति को गया और उन्होंने कहा कि तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ, क्योंकि लिनी की हालत काफ़ी गंभीर है और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। लकीली उनके पति जल्द से जल्द आ गए और उनके आखिरी वक्त में वो उनसे मिल पाए। नर्स लिनी अपने ड्यूटी के तरफ ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपने जान पहचान के लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा भावुक थी, काफ़ी ज़्यादा चिंताग्रस्त थी। इसलिए उन्होंने डॉक्टर से स्पेशली कहा कि उन्हें आइसोलेटेड रखा जाए, उन्हें किसी से मिलने ना दिया जाए, और यहाँ तक कि वो अपनी बहन और माँ को भी अपने करीब आने नहीं दे रही थी, जबकि वो जानती थी कि ये वक्त उनका आखिरी वक्त है। उन्होंने सिर्फ अपने पति से मुलाकात की और उनसे माफ़ी मांगा और ये भी कहा कि उनके दोनों बच्चे रिदुल और सिद्धार्थ, जो कि 5 साल और 2 साल के थे, उनका पूरी तरह से ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें और उन्हें अपने साथ ही रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें।
ये कह के उन्होंने अपने पति को वहां से जाने को कहा। धीरे धीरे हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चला कि ये वायरस जिसके वजह से वो इन्फेक्ट हुई थी वो नीपा वायरस ही था, क्योंकि जो वो तीन लोग थे, जो वो तीन पेशेंट्स थे एक परिवार के जो एडमिट थे, उनके घर के बाहर एक कुआं था जिसकी सफाई के दौरान उनको ये इन्फेक्शन पकड़ा था। उस कुएं में काफ़ी सारे चमगादड़ थे और कुछ मरे हुए चमगादड़ भी थे। जब उन चमगादड़ों की जाँच की गई और इन तीनों पेशेंट्स के जब खून का और उनके जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उसका जांच किया गया तो उनके अंदर सेम वायरस पाया गया जो कि उन चमगादड़ों के अंदर था। उससे ये बात साफ हो गई कि नीपा वायरस ही है, लिनी को बताया गया। ये सुनते ही लिनी ने तुरंत कहा कि उनकी अंतिम संस्कार भी काफी आइसोलेटेड रखा जाए और उनके परिवारजनों को या किसी को भी वहां आने की या वहां आसपास होने की भी इजाजत ना दी जाए, क्योंकि वो चिंता में थी कि कहीं उन लोगों को ये वायरस ना पकड़ ले और कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। तो अपनी आखिरी सांस तक नर्स लिनी अपने से ज्यादा अपने लोगों की चिंता कर रही थी। शायद उनकी जान बच सकती थी अगर वो थर्सडे को उस दिन अपने बुखार होने के कारण बाहर नहीं जाती, काम पे नहीं जाती, लेकिन उस दिन भी उन्होंने अपने ड्यूटी को अपने हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। शायद वो बच जाती अगर रात भर वो उन लोगों से बात करते हुए उनका ध्यान ना रखती और उनको सोने को कह के अपने बाकी पेशेंट्स को देखने चली जाती। लेकिन उनके लिए उस समय उन पेशेंट्स का ध्यान रखना अपने ध्यान रखने से ज़्यादा ज़रूरी था। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि ये कोई वायरस है जो कि शायद जिसका प्रभाव बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन ये जानने के बावजूद उन्होंने अपनी काम को पूरी निष्ठा से किया। इसलिए नर्स लिनी को हम सबका सलाम, और वो एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी और एक अच्छी नर्स साबित हुई, एक अच्छी इंसान साबित हुई, जिसकी वजह से केरला मिनिस्ट्री ने उनके हस्बैंड को मुआवजा के साथ साथ एक गवर्नमेंट जॉब भी दिया ताकि वो इंडिया में रहकर ही अपने बच्चों का और अपने परिवार का ध्यान रख सके नर्स लिनी के जाने के बाद। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगली कहानी के लिए वेट कीजिए अगले संडे का। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको मेरी कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन क्लिक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।